नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आप अपने बुक में जरूर पढ़ें कि क्लासरूम है, क्लासरूम में ए बी सी डी 4 स्टूडेंट्स हैं और वो इस फॉर्म में बैठे हुए हैं। टू गर्ल्स चंपा और चमेली, ठीक है ना, हम यहाँ पर बुक रीड करते हैं। चंपा और चमेली क्लास में एंटर करती हैं और चंपा चमेली से पूछती है कि जो ए बी सी डी है क्या वो स्क्वायर फॉर्म में बैठे हुए हैं। तो चमेली उस बात से डिसएग्री कर जाती है और कहती है कि नहीं, ये स्क्वायर में नहीं है। चंपा कहती है स्क्वायर में, चमेली कहती है स्क्वायर में नहीं है, ठीक है ना। चमेली डिसएग्री करती, चंपा एग्री करती है। आपको इसको देख करके बताना है कि क्या ये बात सही स्क्वायर में है। अगर स्क्वायर में है तो चंपा की बात सही होगी और स्क्वायर में नहीं है तो चमेली की बात सही होगी। यहाँ पर क्वेश्चन आप देख लें, यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स नहीं दिए थे, केवल ए बी सी दिया हुआ है। डी पिक्चर में आप यहाँ से देखेंगे तो 3 और 4, यहाँ से 3 और 4 हो गया, वाई पर आ गया। इसी तरह से एक्स पर 6 है, वाई पर 7 हो गया। यहाँ पर ये 9 और 4 हो गया, 6 1 हो गया। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाना है आपको। डिस्टेंस फार्मूला में आप यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाइएगा। फार्मूला है x2 - x1² + y2 - y1² ठीक है ना जी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस फॉर्म में जब हम जाएंगे तो इस फॉर्म को हमने यूज करना है और क्वेश्चन में आपका आएगा df। अब देखो a से पहले b चले जाओ तो ए बी हो गया, ए बी पर चले गए तो x2 - x1 6 - 3² + 7 - 4 होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा, यहां पर आपने नोट किया 6 - 3 3² and 3² 9 9 18, 3 3 9 और 3 3 9 18 हो गया। और 18 का स्क्वायर रूट कितना जाएगा, 18 का स्क्वायर रूट 3√2 आ जाएगा, 3√2। अब आप क्या करें, यहां से BC की तरफ चले जाए तो ये x2 है और y2 आएगा, x1 y1 हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास हो गया 9 - 6² + 4 - 7² 3² + - 3² यहां पर भी ये 18 आ जाएगा और 18 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 3√2 हो गया, CA हो गया। अब यहां से CD पर चलें, किस पर चलें, CD पर चलेंगे तो CD से आपका पास क्या हो जाएगा, ये x2 y2 x1 y1। तो यहां पर 6 - 9² + यहां पर 1 - 4² यहां पर भी सेम आ रहा है, 3² + - 3² यहां पर भी 18 आ रहा है और ये भी 3√2 आ गया। अब क्या चलना है, DA के बाद आपको चलना है DA, ठीक है ना, DA पर चलना है। DA के लिए क्या होगा, DA दिस इज x1 y1 x2 y2, तो 3 - 6² + 4 - 1² देखिए यहां पर 3 - 6 - 3² + 3² सेम आ गया, यहां पर भी क्या जाएगा 18 और ये हो जाएगा 3√2, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये तो इक्वल आ गया। अब आपको करना क्या है, ए से सी और बी से डी ये फाइंड आउट करना है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं ए सी। ए सी के लिए यहां एक्स वन वाई वन होगा और यहां पर क्या होगा, 9 - 3 9 - 3² + 4 - 4² देखिए 6 हो जाएगा होल स्क्वायर, यहां पर 0 का होल स्क्वायर होगा, 0 होल स्क्वायर, यहां पर ये 36 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6। चलते हैं डी
बी डी, तो बी डी पर आएंगे तो आपके पास हो जाएगा रूट 6 माइनस 6 होल स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस 7 होल स्क्वायर। यहां पर जीरो हो गया, जीरो होल स्क्वायर एंड माइनस 6 होल स्क्वायर, इसका भी आएगा 36 इज इक्वल टू 6। तब आप यहां पे लिखेंगे साइड्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ठीक है, इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू 3√2। डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, ठीक है। तो यहां पर कौन आ गया, चमेली डिसएग्री कर रही थी, चंपा करेक्ट थी, तो यहां पर लिखा जाएगा सो चंपा इज करेक्ट, सो चंपा इज करेक्ट, ठीक है। और चमेली की जो बात है वो गलत हो जाएगी, वो चमेली कहती कि स्क्वायर में नहीं है, चंपा कहती स्क्वायर में, स्क्वायर में है क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए चंपा की बात सही है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।